हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सुंदर सा डोरमेट डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने ये दो रंग की ऊन ली है और इसमें 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदे डालने के बाद एक सिलाई बना के इसमें ये इसके उल्टी साइड हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये स्टिच और एक दो, एक फंदा बनाया, एक स्टिच और ये एक फंदा, और तीन फंदे हमें अपने बेस के कलर के बनाने हैं। फिर हम अपना कलर चेंज करेंगे तो हम इसको आगे करेंगे और इस सेकंड कलर से हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस, ये 24 फंदे बनाएंगे। तीन फंदे अपने इसी पे छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हमें इस डिज़ाइन में 3 के मल्टीप्लाई में फंदे लेने हैं। ये इसको हम ऐसे ही उतारेंगे और अभी सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। आप इस डिज़ाइन को पुराने चुन्नी से, साड़ी से या फिर बची हुई कपड़े से भी, कपड़े की पट्टियाँ निकाल के उससे भी बना सकते हैं, मैक्रोम से बना सकते हैं। बनने के बाद बहुत सुंदर लुक देता है। सीधे साइड जो जैसा है उस कलर का ही बनाना है। तो मैं आपको ये इसकी सीधी साइड ये मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हम इसके कलर चेंज करेंगे तो इसको पीछे लेके जाएंगे और जो आगे लेके आएंगे उसको हम क्रॉस में लेके आएंगे। देखो ऐसे ये इस साइड जाएगा ये वाला धागा, और जो हम लेके आएंगे वो ऐसे लेके आएंगे। ऐसा करने से हमारा इसमें गैप नहीं आएगा। ये हमने इस फन कलर के फंदे बना लिए हैं। अब हमारा बैक साइड, ये स्टिच, ये एक और दो, एक फंदा और हम अपने इसी कलर से बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे आप कलर चेंज करेंगे तो इसको आगे करेंगे और अब हम इसमें बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, और ये फंदे हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहीं से हम अपने रो को मोड़ लेंगे। सीधे साइड जो जैसा है वैसा बनाना है। जब हम कलर चेंज करेंगे तो इसमें हम क्रॉस में कलर चेंज करेंगे तो हमारा ये गैप नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आपको ये रो बना के दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, मैंने अपनी रो बना ली है। अब ये इसकी है स्टिच, और ये एक दो तीन, एक स्टिच चार, और एक हम इसमें एक फंदा और बनाएंगे ऐसे एक। अब हम कलर चेंज करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, और हम अब ये
तीन फंदे इसी पे छोड़ देंगे और सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। मैं आपको ये रो बना के दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने रो बना लिया। फ्रेंड्स इसी तरह हमें तीन तीन फंदे यहाँ पे छोड़ते जाएंगे और एक एक फंदा यहाँ से हम लेते जाएंगे। तो हम इसकी मैं इसकी और कुछ सिलाइयाँ बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, ये मैंने इतना बना लिया है। इसमें अभी ये स्टिच और एक दो तीन चार पाँच छः, एक फंदा और बनाएंगे सात। और अब हम कलर चेंज करेंगे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे बना लिए हैं। अब हम इसमें अपने तीन फंदे और छोड़ेंगे, तीन तीन फंदे हमें छोड़ने हैं यहाँ पर। देखो अभी एक इस सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, मैंने अपने रो कंप्लीट कर ली है। अभी ये आगे क्या है स्टिच, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। फ्रेंड्स अभी हमें इसमें इसमें ये एक आठ नौ दस ग्यारह बारह सभी फंदे अपने इसी कलर से बनाएंगे। इसमें सभी फंदे हमें वापस से अपनी सिलाई पे लेने हैं। तो मैं इसमें सभी फंदे, जितने फंदे आपने लिए हैं सभी फंदे अपनी सिलाई पे वापस से लेने हैं जो छोड़े थे हमने। और ये रो मैंने ये इसकी उल्टे साइड, ये तीन फंदे भी हम इसमें ले लेंगे वापस से। और यहीं से हम अपने रो को मोड़ लेंगे सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। हम ये इसमें ये बीच वाले एंड ये आउटलाइन है ये भी यहाँ पे बनाएंगे। तो इस साइड ये मैं सीधी साइड ये पूरी रो बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, ये मैंने अपने रो बना ली है। अभी हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो आगे का डिज़ाइन हम इसमें अभी बनाएंगे। तो ये स्टिच एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। देखो अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, इसको आगे करेंगे। ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और तीन फंदे हम यहीं पे छोड़ देंगे। यहीं से हम अपने रो को मोड़ लेंगे। इस साइड जो जैसा है उस कलर का ही बनाना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, मैंने अपने रो बना ली है। अब ये स्टिच, ये एक दो तीन चार पाँच छ सात, पहले हमने आठ बनाए थे अब हम इसमें सात फंदे बनाएंगे। और यहीं से हम अपना ये दूसरा कलर लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह
16 और ये 17 फंदे बनाएंगे और ये 3 फंदे हम इसी पे छोड़ देंगे। यहीं से हम अपने रो को मोड़ लेंगे। सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, मैंने अपने रो बना ली है। अब ये हमारी एस स्टिच, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे और ये एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह फंदे बनाएंगे। यहीं से हम अपने रो को मोड़ लेंगे और सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। ये वाला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे और जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तो मैं आपको ये रो बना के दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, ये मैंने अपने रो बना लिया। फ्रेंड्स, तीन तीन फंदे यहाँ पे छोड़ते जाएंगे और यहाँ से हम एक एक फंदा ऐसे लेते जाएंगे। जैसे मैंने अपनी यहाँ से ये कली बनाई थी, इसकी यहाँ पे मैंने एक एक फंदा यहाँ पे अपना बढ़ाया है इस कलर से और यहाँ पे तीन तीन फंदे हमने छोड़े हैं। तो मैं इसकी ये ऐसे ही कुछ रो आपको बना के और दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, मैंने इतनी रो बना ली है। ये स्टिच एक दो इससे पहले हम इसमें कलर चेंज करेंगे। एक फंदा पहले इसको आगे करेंगे और यहाँ बनाएंगे सेकंड कलर से अपने दूसरे कलर से। तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये इसमें तीन फंदे हम यहीं पे छोड़ देंगे। यहीं से हम अपने रो को मोड़ लेंगे। सीधे साइड जो जैसा है वैसा ही बनाना है। मैं आपको ये रो बना के दिखाती हूँ। ये रो मैंने बना ली है। अब यह स्टिच और ये एक फंदा और यहाँ पे हम अपना कलर चेंज करेंगे तो इसको आगे करेंगे और इसे हम बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ और देखिए सात, और सीधे साइड हमें जो जिस कलर का है उस कलर का ही बनाना है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है। बिगनर भी बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे। यहाँ पे हम अपना कलर चेंज करेंगे तो हम कलर चेंज क्रॉस में करेंगे। इसको इस साइड ले जाएंगे और अपना कलर चेंज करेंगे ऐसे। एक और ये दो। फ्रेंड्स, हमने इतना इतना डिज़ाइन इसमें बना लिया है। ये देखो, अब हम इसमें ये आउटलाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसमें ये स्टिच और ये सभी फंदे इसमें जो हमने बुने हैं और जो हमने छोड़े हैं सभी फंदे हम इसमें इसी कलर से बनाएंगे अपने, जिसके हम अपने आउटलाइन बना रहे थे कलियों में। सभी फंदे हम इसमें लेते जाएंगे। ये सिलाई हम अपनी वापस से इसमें अपने फंदे ले लेंगे। तो मैं आपको ये रो बना के दिखाती हूँ। एक सीधी साइड जो जैसा है वैसा ही बनेगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, मैंने अपनी रो बना ली है और सीधे साइड हम जो जैसे वैसा ही बनाएंगे। ये फर्स्ट वाले को हम ऐसे ही उतारेंगे तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा इसमें राउंड में ज़्यादा बड़ा राउंड नहीं होगा और जो जैसा है वैसे ही बनाना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, ये मैंने अपने डोरमेट डिजाइन बना लिया है। फ्रेंड्स, इसी तरह हमें अपनी ये कलियाँ बनाते जाना है और ये सुंदर सा डोरमेट डिजाइन बन के
तैयार होगा। आशा करते हूँ आपको ये डोरमेट डिजाइन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस।